नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। सिकंदर भैया बने जिला उप प्रधान, एडवोकेट मनजीत सिंह दंदीवाल बने हैं कालावाली हलका अध्यक्ष। आपको बताते हैं कि कांग्रेस आरटीआई सेल के अध्यक्ष संदीप सरदाना ने प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर और शिषपाल कैरवाला के निर्देश पर सिकंदर भैया और एडवोकेट मनजीत सिंह दंदीवाल की नियुक्ति की है। आज कालावाली ओबीसी सेल के अध्यक्ष ओम प्रकाश लोहानी ने के दफ्तर में इन दोनों की नियुक्ति कर लड्डू बांटे गए, फूल मालाएं पहना करके इनका स्वागत भी किया गया। इसी मौके पर महेश झोरड़ ने दोनों की नियुक्ति पत्र सौंपे और नियुक्त किए गए दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। इस मौके पर महेश झोरड़ और ओम प्रकाश लोहानी, पूर्व पार्षद तोता जिंदल, गुरप्रीत शर्मा, सुखराज लकड़ावाली, बिल्ला कबाड़िया, दीपू दादू, काला भट्टी, हेमंत गोयल, भारत भूषण, सतपाल गर्ग, गुरप्रीत सिंह, रत्न अग्रवाल सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आप देख रहे हैं कालावाली पलपल से कैमरामैन जगतार सिंह तारी के साथ विमल गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। आज का हमारा ये प्रोग्राम है कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के दिशा निर्देश, भाई शिषपाल कैरवाला जी के दिशा निर्देश पर आज हमारे आरटीआई डिपार्टमेंट का एक सेल है कांग्रेस का, उसका सिकंदर जी भैया जो हमारे कालावाली से हैं उनको जिला का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और उनके बाद हमारे साथी हैं मंजीत जी मत्तड़ एडवोकेट, उनको कालावाली हलके का अध्यक्ष बनाया गया है और पूरी उम्मीद करते हैं कि ये दोनों जो इनको जिम्मेवारी दी गई है अच्छी बखूबी से निभाएंगे।